तो गाइस साथ में चौमिन भी आ गए, ये भी हमें किसी ने स्पॉन्सर कर दी थी यहाँ पे, हमें फ्री की चौमिन मिल गई भाई यहाँ पे। चलो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो अभी टाइम सुबह के 8:48 हो रहे हैं व्लॉग अपलोड करने के, मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेट हो गया आज मैं व्लॉग अपलोड करते करते, आइट लेट हुआ ना, आप सभी पता, लेट उठा था तो वही टाइम लग गया। और आज भाई साहब धूप भी नहीं है, बादल निकले, आपको दिख ही रहे होंगे ऊपर मेरे पूरे ब्लैक ब्लैक बादल हो रखे आज, वहाँ से है धूप हल्की हल्की सी, लेकिन वो भी बादलों की वजह से कवर हो गया, तो ठंड भी लग रही है आज। तो बाकी देखते हैं क्या प्लान रहता है, आज काम पे भी नहीं जा रहे और ठंड लग रही है भाई साहब सुबह सुबह। मैं तो एक सिंगल सी पहन के बाहर आ गया आप लोग अपलोड करने के लिए, फिलहाल अंदर चलते हैं। तो मम्मी तो यहाँ पे कर रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्या बनाने लगे आज? शलगम की सब्जी। शलगम की सब्जी बनेगी आज, मेरे को बना दे यार मक्की की रोटी, इस सीजन एक भी नहीं खाई तली हुई बना दे यार। तो गाइस अभी करते हैं अपन ब्रश, और ये देखना ब्रश होल्डर ये जो है, तो ये देखना कैसे वाला है, ये जो पेन का ढक्कन नहीं होता, ये सैलो पेन का ढक्कन, ये डिब्बा उसका बनाया हुआ है, तो चाहिए ना ये देसी जुगाड़ रखने, तो ब्रश ही है जैसे मर्जी रख लो। तो मैं पापा को कहा था कि टूथ ब्रश होल्डर ले आना ये वाला, तो पापा ये ले आया उठा के, भाई दिमाग था सही किया, ये टांग में तो ब्रश ही चाहे उसमें टांगू चाहे इसमें टांगू। तो गाइस अपना ब्रेकफास्ट भी आ गया है, रोटी और साथ में ब्रेड ऑमलेट और साथ में चाय, पापा ने पूरा ये जला के रख दिया, पूरा पका दिया, करारा करारा कर दिया ये, तो चलो खाते हैं ये। तो गाइस टाइम 11:30 हो गए और मैं आ गया हूँ बाहर, ठंड बहुत ही ज़्यादा है आज, पूरे बादल बादल, धूप निकली ही नहीं सर अभी। तो अभी यहाँ पे आग जल तो अभी यहाँ पे आग जलाई, आग सेक रहे हैं सिर्फ मैं और विशाल भी हैं, बस दो ही हैं हम, बाकी कोई नहीं है घर पे, मज़ा आ रहा है भाई। तो गाइस अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ अपने साथ साथ में, घर आ गया था मैं, मम्मी भी पास में बैठे, मम्मी अपनी मूँगफली वगैरह खा रहे हैं मस्त। तो अभी रजाई में बैठे हैं हम, मैं काम कर रहा हूँ, मम्मी भी बैठ गए पास में, और क्या बोलते हैं बारिश हो जाए मे भी रात को, क्योंकि बाहर तो मौसम खराब है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी है, फिलहाल रजाई में बैठ के काम कर रहे हैं अपना। बारिश आज रात को हो जाए शायद, पता नहीं कल बताई हुई है वैसे, पर देखो आज रात को होगी तो, नहीं तो फिर कल तो हो ही जाएगी, देखो जैसे रहता है होनी चाहिए बारिश, तभी ठंड का थोड़ा सा पड़ेगा फर्क सा, अदरवाइज तो बुरी हालत है भाई ठंड के साथ। बाहर मौसम देखना पूरा ब्लैक हो गया है, पूरा पूरा बादल, बारिश होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, घर के बाहर ही आग जलाई हुई है, धुआं निकल रहा है ना। तो गाइस अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और मौसम तो बिल्कुल खतरनाक वाला हो गया है, बाहर पूरा बारिश का माहौल बन गया हुआ है, तो मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब नहीं है, कुछ ऐसे ठीक ठीक सा नहीं लग रहा ना, घर पे बैठे बैठे बंदा ऐसे हो जाता है थोड़ा सा। और दूसरी बात यह है कि अभी काम वगैरह कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ अभी तक, और उसके बाद अपलोड वगैरह करूँगा, तो देखते हैं क्या प्लान रहता है, उसके बाद बाहर जाएंगे थोड़ी देर आग वगैरह सेकेंगे फ्रेंड्स के साथ। तो बाकी यार भूख लग रही है मम्मी, दो यार कुछ खाने वो है, पता नहीं यार भूख लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या खाना है, पर भूख लग रही है, फिर को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे गर्मी गर्मी सी हो गई ना शरीर में, तो कुछ खाने का मन कर रहा है अभी, अंडा वगैरह कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बिस्किट समथिंग ऐसे कुछ भी नहीं, बस सोच रहा हूँ कि ठंडी ठंडी चीज़ मिले कोई अंदर, इससे सही हो, पानी है ठंडा यार कुछ भी नहीं खाने को ना, नींबू पानी पी लो फिर क्या हो गया ठंडा, तो क्या करें आप, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। रात को क्या बनाने लगे आप? दाल मूंगी की फुल्का, मूंगी की दाल और साथ में रोटी, रोटी। तो गए तभी हमें भूख लगी थी, तो मैं और विवेक भी हम खाने लगे मोमोस यहाँ पे, तो चलो जी काफ़ी दिनों के बाद घर के पास है भाई मेरे ये शॉप, तो यहाँ बैठ के खाते हैं अभी। तो गए साथ में चौमिन भी आ गए, ये भी हमें किसी ने स्पॉन्सर कर दी थी यहाँ पे, हमें फ्री की चौमिन मिल गई भाई यहाँ पे, चलो। तो गए अभी हम दो ही हैं फिलहाल, मैं और विवेक भैया, तो यहाँ पे आग जलाई है घर के बाहर ही, ये घर सामने ये बाहर आग जलाई, तो यहाँ पे आग सेक रहे हैं बस, थोड़ी देर सेकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे घर पे। एक्चुअली हम अंदर बैठे हुए थे मोमोज खा रहे थे, तो एक भैया आ गए, तो फिर विवेक भैया कहते हैं उनको कि आप भी खिला दो कुछ, तो फिर उन्होंने चौमिन हमें खिला दी, स्पॉन्सर कर दी, वो आधे पैक करा रहे थे ना अपने लिए, तो हमें भी खिला के चले गए, तो हमें फ्री की चौमिन मिल गई भाई साहब। और ठंड लग रही है और रात को बारिश हो ही जाएगी जहाँ तक मेरा गैस है ना, थोड़ी देर के बाद 9-10 बजे के करीब बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस अपना डिनर भी आ गया है, ये मूंग की दाल बनाई है और साथ में मूली का अचार, तो ये खाते हैं अभी। तो गाइस अभी मैं बाहर आया हूँ और बारिश की हल्की हल्की बूंदें सी पड़ी हैं, लेकिन वो भी सूख गई हैं, तो बारिश हुई क्या मतलब, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ी हैं, लेकिन रात को बारिश होने वाली है, अभी आसमान बिल्कुल ब्लैक हो रखा है, एक भी तारा नहीं निकला है, तो ठंड भी है, तो देखते हैं अब क्या रहता है, कल तो बारिश है मेरे ख्याल से, वैसे तो बताई हुई है कल बारिश, तो देखते हैं आज रात से ही लग पड़ेगी, तो
तो बाकी यही था गाइस आज का व्लॉग, व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाई आज बिल्कुल भी, मैं तो ये दिख रहा था शाम को पर बने नहीं। आप सभी को पता दिन में एक तो बाहर भी नहीं गया, बाहर गया तो फिर मैं और विशाल भैया बैठे थे वहाँ पे, अभी भी एक दो बूंदे पड़ रही हैं, तो मैं और विशाल भैया बैठे हुए थे बाहर, तो फिर वहाँ से भी आ गया, फिर काम करने लग पड़ा, तो फिर ऐसे मम्मी के साथ बैठे बैठे टाइम निकल गया। तो बाकी यही था। और मेरे को सबसे बड़ी ना व्लॉगिंग में पता क्या दिक्कत रहती है, टाइटल लिखने की भाई, टाइटल क्या लिखना। अब कल की वीडियो के लिए ना टाइटल कुछ भी नहीं है, मैं तो यही सोच के परेशान रहा हूँ कि क्या टाइटल लिखूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, एक चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि जिस दिन तो आपको कुछ मिल जाए कंटेंट, उस दिन तो चलो सही है आपके पास टाइटल आ जाएगा, लेकिन जिस दिन नहीं हो ना, जैसे आज कुछ भी नहीं है टाइटल के, क्या टाइटल भरें भाई, सबसे टेंशन वाली चीज़ ये होती है। तो बाकी चलो इस लोग को एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।